इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज नहीं खाती। कवि कुमार विश्वास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर ट्वीट कर तंज कसा है। विश्वास ने लिखा है कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पेट्रोल नहीं पिया जाता, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि प्याज की बढ़ती कीमतों से व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका परिवार प्याज लहसुन जैसे चीज़ों को खास पसंद नहीं करता है। सीतारमण ने कहा था, मैं बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन नहीं खाती, इसलिए चिंता न करें, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है। मंत्री के ये बयान के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर विरोध किया। इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने भी कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। कुमार विश्वास के अलावा भी कई लोगों को ट्विटर पर उनकी यह बात पसंद नहीं आई। एक यूजर ने दो फोटो शेयर करते हुए लिखा, पहली फोटो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर थी और लिखा कि प्याज के दामों के बारे में बात मत करो क्योंकि वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती हैं। दूसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर थी और लिखा था कि हाँ, स्मृति ईरानी प्याज खाती हैं लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है, उन लोगों का क्या जो बीजेपी सरकार के वक्त प्याज खाते हैं। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। आई अप्रिशिएट दैट यू मैनेज गेटिंग अनियंस फ्रॉम इजिप्ट। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र विच इज द लार्जेस्ट पूल कलेक्टर ऑफ अनियन। व्हाई हैज द प्रोडक्शन गॉन डाउन? ए बी भारती पवार, शी सिटिंग राइट हियर, शी रिप्रेजेंट नासिक, सो शी विल अग्री विथ मी, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट आई एम मेकिंग एट ऑल, बट द अनियन प्राइसेज व्हेन दे वर रॉक बॉटम इज द टाइम ऑफ ड्यूरेशन यू गिव। Was that the reason that they did not get the rice remitter of prices? The MSP was not good. Hence, was the production gone down? Because I take great pride in being an Indian and proud to be an Indian, which feeds every Indian's mouth. So why is the production gone down? I'm not happy eating Egyptian onions. Why should India do it? And we export rice. We export milk. So many products. We are the second largest rice producer in the world. And wheat. Why are we doing this? Isn't it a regressive step? If you could kindly clarify both the points about the Mudra loan, which is NPA, as well as the onions, because the onion grower is the small farmer. The onion farmer is not the 20 and 30 acre one. He's the small farmer with less water. So he really needs to be protected. No, is my request. In fact, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। नो ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया जी, आई मस्ट से फ्रॉम 2014 आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच मॉनिटर द अप्स एंड डाउन्स इन अनियन मार्केट्स। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ क्रॉप वी हैव आल्सो फैसिलिटेटेड बाय गिविंग सपोर्ट टू those people who want to export it. I have overnight passed orders for helping with 5 to 7% assistance for